ऐसी है ये, सब जगह भी है रात को। पटना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड आज का प्लान है कुछ डिफरेंट। आज भी कुछ बाजार में जाना है क्योंकि एक तो टाई लेना भूल गया ब्लेजर के लिए एंड कुछ छोटे मोटे एक्सेसरीज जो कल नहीं ले पाए थे जो पर्सनल यूजेस के लिए है डेली यूजेस के लिए, तो वो कुछ एक्सेसरीज लेना है। तो आज वो सेम बाजार में नहीं जाएंगे जो आपने ऑलरेडी वीडियो देख चुका, आज किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो देख रहे पटना में अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आप लोग को कुछ नया कंटेंट मिल पाए। सो कल का ऑलरेडी आपने देख चुका, तो आज का कुछ डिफरेंट होगा और नया होगा, सेम चीज़ नहीं होगी। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय VBR चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो आज का व्लॉग डिफरेंट होगा, अभी जस्ट ब्रश करते हैं, फ्रेश होता हूँ, नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं एक नए डेस्टिनेशन पे, एक नया व्लॉग शूट करने के लिए, एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए इन पटना। चलो जल्दी जल्दी करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग को। पीछे मेरा एक दोस्त है रुपेश, कम फास्ट, पीपल इज कॉलिंग यू। ओके सो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने पहला व्लॉग स्टार्ट किया सुबह 8:30 बजे, हाँ उसके बाद प्लानिंग था कि हम लोग 10:30 बजे निकलेंगे सामान खरीदने के लिए। सो 10:30 से 11:30 हुआ, अभी 12:30 बजे हम लोग निकल रहे फाइनली। तो फाइनली मेरा चिकल शादी है, सो उसके लिए बम स्प्रे एंड हम लोग को ब्लेजर के लिए टाई लेना था, तो वो एक्सेसरीज जिस बाज़ार में हम लोग कल गए तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। आज कोई दूसरे डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं जहाँ पर कि वो चीज़ें अवेलेबल होगी। तो ये कुछ कमीने लोग जो और लेट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग 12:30 बज के लेट हो चुका है, तो इन लोग और लेट कर रहे हैं। और पीछे से लड़की लोग कितना लोग ऐसा तैयार होते हैं, लाली लिपस्टिक क्या 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 लगाते हैं लोग, क्या 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 लोग लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं लिप बाम। मैं तो नहीं लगाता, मैं देखो लगा है क्या, अगर लिपस्टिक है रेड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, नहीं लगाता लिपस्टिक नहीं। तुम लोग ये लोग क्रीम क्या क्या क्रीम लाए बॉम्बे से, रात को लगा के भूत बन के सोते कि व्हाइट हो जा रहे, हद है यार तुम लोग का, उसके वजह से और आधा एक घंटा लेट होता हम लोग को हमारे टाइम से। फाउंडेशन लगा था, फाउंडेशन मैं नहीं लगाता, फाउंडेशन मैं रात को कुछ लगाता ही नहीं, मेरा नेचुरल है बॉस। अभी मैं अभी ये लड़का जो है, ये लड़का पीछे ये और चार क्रीम लेके आया, फिर भी ऐसी है, समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहता है, फिर भी ऐसी है ये, फिर भी है। रात को भूत बन के साले सोते है सुनील गद्दर के साथ, प्लस सब मेकअप वाले, सब इंस्टाग्रामर फेमस है, सब इंस्टाग्रामर है। कल इसका हम लोग ने एक वीडियो बनाया था टिकटॉक पे डाले, फुल वायरल हो गया, फुल फुल एसआर के वीडियो बना के डाल दिए। पटना दरभंगा से ऑटो वाले रिपोर्टिंग करते हुए, कल की तरह हम लोग को वेट नहीं करना पड़ा, आज नसीब ऑटो मिल गया। जो हमको कहां पे जाना है, हाँ हमको वहाँ तीसरी जाना है, हाँ बेनीपुट्टी जाना है, ये हमको ऑटो से छोड़ेंगे, हमसे पैसा नहीं लेंगे। डन, कल की तरह वेट नहीं करना है, आज ऑटो मिल गई जल्दी, चलो। और अब इंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि सब लोग आते हैं तो आके सब सोए रहते हैं, सब एक एक जन एक दूसरे का टिकटॉक बना के अपलोड कर रहे हैं, एक एक जन एक दूसरे का वीडियो बना के व्हाट्सअप पे, मतलब कहीं से भी वीडियो कभी भी बन जा रहे हैं, बहुत रिस्की है। सुनील गद्दार आप देख सकते हो, ये आगे की सीट पे बैठा है, एसआर के ये हमारा एसआर के, ये एसआर के हमारा ऑल्सो नोन एज सुनील गद्दार नाम से फेमस है ये, लेकिन हम लोग इसको पटना का एसआर के बोल रहे हैं। इसका साइकिल वाला वीडियो बहुत फेमस हुआ है, साइकिल वाले चाचा क्या मस्त, गर्मी बहुत है, बच्चे पढ़ रहे। जैसे टिकटॉक पे वायरल हुआ एटीट्यूड आ गया इस बंदों का, हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा अभी, गलत है भाई। इसीलिए किसी को फेम मिलता है ना, उसका एटीट्यूड बढ़ जाता है, उसका लेवल बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, इतना होना नहीं चाहिए सुनील गद्दार, हमने सोचा है तुम्हारी शकल काली लेकिन तुम्हारा दिल भी काला है। इतना खड़गुड़ रोड है कि एक फ्रेम बराबर आ ही नहीं पा रहा, सारे फ्रेम मेरे हिल रहे हैं ऐसे ऐसे, एटलीस्ट एक तो फ्रेम सही से स्टेबल है, लेकिन रोड ही खराब है तो क्या कर सकते हैं। हमारे जो सुनील जी हैं जिनको वायरल हुआ अभी टिकटॉक पे रिसेंटली, वो पीछे बैठ गए जाके, अब बिजी हो गए टिकटॉक पे वापस से। सर बताओ जरा आपके बारे में, गद्दार सर कुछ बोलना चाहोगे, बोल लो कब है, बहुत परेशान हूं, नो कमेंट, नो डिमांड। और ये है दूल्हे का भाई, एक नंबर का कंजूस इंसान, फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार 1000 की नोट लेके घूमता था,
टिकटॉक में बिजी सुनील भाई, आपकी कुछ टिप्पणी हमारे लिए, हमारे लिए बोलना चाहिए। बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे भाई आगे बढ़े। बीबी प्यार की आईडी है, इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ताकि ये बहुत आगे निकल जाए। मैं वीडियो कैसा बनाता हूँ पहले पता, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? इनके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं हमें, मतलब हर एक गहराई में जाके मतलब वीडियो बनाते हैं। इनके साथ में हमारे हेलमेट भाई भी है, बिचारों का हेलमेट बोलते हो, हद है, अलग अलग नाम रखा हुआ है सबका। मेरे को हेलमेट बोलते हैं और इनको गद्दार बोलते हैं, जो सकल से गद्दार दिखते हैं। इनका एक दोस्त है जिसका नाम है मेरा, जिसकी शादी है इसका दोस्त, वो दोगले के नाम से मेरे दोगला बोलते हो, दोगला। अरे क्या आवाज आ रहा है यार, पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को, इधर कुछ तो म्यूजिक बज रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए बाजार में, तो यहाँ पे अभी हम लोग अपनी चीजें देखते हैं जो हमको खरीदना है। तो अभी आए हैं सॉक्स लेने के लिए, क्योंकि सुनील ने सॉक्स नहीं लाया तो उसको सॉक्स लेना, तो अभी वो सॉक्स लेगा यहाँ से। एंड फिर जाएंगे हम लोग देखने टाइल, देन उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे बॉम्ब और वो स्प्रे देखने के लिए। तो सुनील को लगी है भूख, तो सुनील आया है फूड मार्केट में, यहाँ पे उसको सेब और केला खाना है। देखो यहाँ पे भाव ताव कर रहा है ये गद्दार को, खाना भी भाव ताव भी करना है, ऐसे लोग के साथ रहना बराबर नहीं है। पैसा भी नहीं ले रहे सुनील। तो मुझे लगा कि सुनील मजाक कर रहा है, लेकिन सही में उसने सेब ले लिया और मुझे फ्री में खाने के लिए भी मिल गया। पैसा दे दे, हमारे सबने बड़े भाई हैं, पैसा दे जी आ गए। मैं पैसा दे चुका हूं, सब फुकट हम लोग को फुकट में खाने में मिल गया। एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है। आरके इलेक्ट्रॉनिक्स, रूपेश कनौजिया इलेक्ट्रॉनिक्स, हम पटना में भी फेमस है। पटना में जरा दिखा। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हम पटना की गलियों में घूमते हुए सेब का आनंद मजा लेते हुए अपनी खोज की तरफ निकल चुके हैं। दो तीन दुकानों में जा चुके लेकिन मिला तो नहीं, बट इस गर्मी में मजा अलग ही है। आगे कभी गांव की गर्मी, जो जो गांव में रहता हूँ उनको पता होगा गांव की गर्मी कैसी होती, तो वैसी धूप हम लोग अभी चक्के लग रहे हैं। हर एक सेकंड की खबर देते रहेंगे आपको जैसे हमारी दुकान मिल जाएगी। क्या बचन तू कैमरामैन रूपेश। हमको घूमते घूमते देखो क्या मिला, गांव में मुंबई वाला जूता कलेक्शन। कैसा लगा विलेज में मुंबई वाला शूज कलेक्शन? सो मिली हम लोग फाइनली एक शॉप, शॉप का नाम आपको बाहर से दिखा था, पहले हम लोग वैरायटीज देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज है टाई की, तो उसके बाद शॉप का नाम दिखा था, फिर जाएंगे स्प्रे एंड बॉम्ब लेने के लिए। थोड़ा ठंडा है बाहर, बहुत गर्म है, बहुत पटना में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, अभी मेरे ख्याल से 30 के ऊपर ही रहेगा, मैं अभी चेक नहीं किया, चेक करके बताता हूँ आपको कितना परसेंट टेम्परेचर है। 28 डिग्री सेल्सियस अभी राइट नाउ चल रहा है, तो सोचो कितनी कड़क धूप रहेगी और चटके लग रहे स्किन के ऊपर। फिर भी हम लोग आए लेने के लिए बिकॉज कल शादी है, तैयार अच्छे से होना है। सो अभी हम लोग अपनी वैराइटीज देख लेते हैं और टाई की फिर मिलते हैं। तो ये थी वाटिका शॉप जहाँ पे से हम लोग ने ले लिया टाई। मेरा प्लान कैंसिल की थी बिकॉज मेरा ब्लेजर ही ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं टाई डालूँ, सो मेरे को आलम ने बोला, मैंने अपना टाई का प्लान कैंसिल कर दिया। सुनील ने ले लिया, अपने टिकटॉक और सुनील ने ले लिया टाई, उसको लेना था, वो भी शर्ट पे पहनेगा, सो मैंने नहीं लिया, मेरा प्लान कैंसिल कर दिया, फालतू में क्यों मैं पैसे वेस्ट करूँ। तो ये थी शॉप, तो अगर इनकेस कभी पटना में आप लोग आते हो अगर कुछ एक्सेसरीज लेना, अगर इस लोकेशन के नियर बाय हो तो बेनी पट्टी करके बाजार है, यहाँ से आके आप एक्सेसरीज ले सकते हो जो भी इनकेस आपको लेना है। अगर आप मेन पटना में हो तो वहाँ पे आपको और बड़े बड़े बाजार मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, मैं रिकमेंड ही नहीं करूँ। सो अभी हम लोग को लेना है स्प्रे और बॉम्ब, अब वो भी हम लोग सर्च करके देख लेते हैं। फाइनली मुझे चलते चलते एक हम लोग को बॉम्ब की शॉप मिल गई है, तो इसमें बॉम्ब भी है, स्प्रे भी है, सारी चीज़ शादी के सजावट जो सामान मिलते हो सारी चीज़ अवेलेबल है। सो फाइनली हम लोग को एक ही शॉप से सारी चीज़ें मिल जा रही है, अलग अलग नहीं जाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से बॉम्ब भी सिलेक्ट कर रहे हैं प्लस अपना स्प्रे जो इंपॉर्टेंट है, स्प्रे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बम तो ज़्यादा लाउड होता है तो उनको पसंद भी नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है स्प्रे, लोगों को मारने मज़ा आता है। तो रॉकेट नहीं फोड़ने का, तो ये हम लोगों ने स्प्रे लिया है, सारी चीज़ें कंप्लीट करके सिलेक्ट करके फिर आप लोगों को बता। सो फाइनली हम लोगों ने ले लिया,
हम लोगों ने एक बड़ी लड़ी लिया है, देन नेक्स्ट लिया है रस्सी बम, जो कि मुझे नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा साउंड करता है वो, ये लोग छोड़ेंगे। जो मेरा फेवरेट है वो है स्प्रे, तो वो हम लोगों ने 10 स्प्रे लिया है। तो अभी इन लोग का देख के थोड़ा मेरा भी मन हो गया, थोड़ा सेट करवा लेता हूँ मैं भी, ट्रिम करवा लेता हूँ क्योंकि कल शादी है, थोड़ा स्मार्ट मेरे को भी दिखना है, ज़्यादा ही बढ़ गई है शेविंग मेरी, थोड़ा ट्रिम करा दूँ फिर मिलता हूँ आप लोग। तो बताओ कैसा लग रहा हो, कमेंट ज़रूर करके बताओ कि आफ्टर और बिफोर क्या डिफरेंस है, अच्छा लग रहा हो कि नहीं। अब लग रही है बहुत ज़ोर की भूख, 3 बज चुके हैं, तो अब आज का लंच भी डिले हो चुका है, तो अब बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो कुछ खाने जाना पड़ेगा। अभी सबको शौक चढ़ गया एक एक करके, पहले वो कराया, फिर मैं कराया, फिर अभी बस करवा रहा है, फिर उसके बाद आलम भी करवाएगा, सब एक एक करके चारों जन करवाएंगे, तो लंबी चौड़ी अभी टाइम होने वाली है, पता नहीं खाना खाने कब मिलेगा, लेट्स सी। तो सुनील आपकी भूख मिटी कि नहीं मिटी? हाँ थोड़ा खा रहा हूँ और अभी चालू है प्रोसेस। क्या खा रहे हो बताओ जरा? ये पेटी से। हाँ इसमें काट के कांदा, अच्छा चटनी हो रहा है, सब डाल के। अच्छा सुनील इतना भूखा था कि हम लोग को 3 जगह रुकाया उसने कि ये खाओ ये खाओ, हम लोग बोले रुक तो वो खिलाते हैं उसको, हम लोग पेटीज खिला रहे, इतना भूखा था। अब मेरी बारी, सेम पेटीज तो खाता हूँ बताता हूँ। कैसा लगा आपको खा के? भूख लगी तो अच्छे लगेगा ना, भूख लगी हर चीज़ अच्छी लगती है। नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश, जो पैटीज और किटिया टिकिया बनाते, ये ओनर है। बेनी पट्टी जब आएंगे तो ये दुकान पे, ये दुकान का नाम है, यहाँ पे जरूर खा के जाइए, बहुत फेमस है यहाँ का। ये देखो तो फाइनली नाश्ता कर लिया, अब यहाँ से ऑटो लेके जाना है टीसी, घर पे आके खाना खा के आराम कर, बहुत थक गया हूँ, तो अभी यहाँ से ऑटो लेंगे। ऑटो तो पहले मिलती नहीं है, 6-8 ऑटो के बाद ये एक ऑटो मिली है, तो यहाँ से फिर घर पे जाके मिलता हूँ। फाइनली रीच्ड, तो अभी हम लोग जा रहे घर पे, बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ते से पेट नहीं भरा है, ताकि खाना खाएंगे और सो जाएंगे, बहुत तेज़ मेरे को नींद आ रही, बहुत तेज़। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिसमें मेरा न्यू आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि अभी आने वाले कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एज आई सेड, डोंट जस्ट ड्रीम, प्लान योर ड्रीम, वर्क मोर एंड मोर हार्ड, रिजल्ट आज नहीं तो कल आप लोग को मिलेगा जरूर। तब तक के लिए डू व्हाट एवर यू वांट टू डू माय गुड फ्रेंड्स, सो बाय, अब जा रहा हूँ सोने, कल मिलता हूँ एक नए फ्रेश व्लॉग में। ऐसे लोगों के साथ रहने का मेरा मन ही नहीं करता है, पेप्सी पीने के लिए 10-10 रुपए चिल्लर निकाल रहे हो, तुम सबसे बड़ा 10-10 रुपए चिल्लर निकाल रहे हो, पेप्सी पीने के लिए लोग चंदा जमा कर रहे हैं, हद है यार, नहीं चाहिए दोस्ती नहीं चाहिए।